दोस्तों, रोमन रिंग्स का गिमिक या कैरेक्टर हमेशा से WWE में बहुत सीरियस रहा है। इसी वजह से उनके बहुत कम ही फनी मोमेंट्स देखने को मिले हैं। तो आइए देखते हैं WWE में रोमन रिंग्स के 10 फनी मोमेंट्स, जिन्हें देखकर आप जरूर हंसने वाले हैं। नंबर 10, सैवेज पंच टू बैरन कॉर्बिन। दोस्तों, 30 जुलाई 2018 के मंडे नाइट रॉ में कर्ट एंगल, रोमन रिंग्स और बैरन कॉर्बिन के बीच एक बैकस्टेज सेगमेंट होता है, जिसमें कर्ट रोमन से कहते हैं कि तुम्हें इस बिल्डिंग से बाहर जाना होगा क्योंकि ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं, लेकिन रोमन ऐसा करने से मना कर देते हैं। इतने में टकले कॉर्बिन ऑफिसर्स को बुला लेते हैं, जिस वजह से रोमन को जाना ही पड़ता है। पर जब वो जा रहे थे, तभी बैरन कॉर्बिन उनके पीछे खड़े होकर हंसने लगे। फिर क्या था, रोमन पलटे और सट से जड़ दिया कॉर्बिन को पंच। यहाँ जिस तरह से सैवेजली रोमन ने कॉर्बिन को पंच मारा था, वो काफी ज्यादा मजेदार था। आखिर कॉर्बिन को भी तो समय समय पर खुराक मिलना जरूरी है ना। नंबर 9, टेबल बॉच। दोस्तों, 24 सितंबर 2021 के स्मैकडाउन में रोमन रिंग्स का सामना मॉन्टेज फोर्ड से हुआ था। इसी दौरान जब मॉन्टेज रोमन पर हमला करने के लिए टेबल पर चढ़े, तो टेबल ही टूट के बिखर गई। चलो वहां तक तो सब ठीक था, पर यहां ध्यान देने वाली बात ये थी कि जब टेबल टूटी तो उसकी आवाज सबको सुनाई दी, पर हमारे ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल यूनिवर्सल चैंपियन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने एक भी बार पीछे पलट कर नहीं देखा कि भाई साहब आखिर मामला क्या है। फिर जब मॉन्टेज ने स्टील स्टेप्स पर से जंप लगाकर रोमन पर हमला किया, तब जाकर रोमन पलटे। नंबर 8, फनी फेसेस। दोस्तों, रोमन रिंग्स भी जॉन सीना की तरह ही बहुत फनी फेसेस बनाते हैं, जो कि फैंस के चेहरे पर हंसी लाने के लिए काफी होते हैं। जब रेटेड आर सुपरस्टार एज ने रसलमीनिया 37 में हुए मैच के दौरान स्टील के पाइप की मदद से रोमन रिंग्स को ये सबमिशन लगाया, तो उनका चेहरा कुछ ऐसा हो गया था। ट्राइबल चीफ के चेहरे पर उसका दर्द साफ दिखाई दे रहा था। नंबर 7, एंट्रांस बोच। दोस्तों, ये बात है साल 2014 की, जब रोमन रिंग्स, डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस एक साथ हुआ करते थे टीम द शील्ड के रूप में। इसी दौरान डबलिन, आयरलैंड में हुए एक लाइव इवेंट के दौरान, जब रोमन ने अपनी एंट्रेंस के दौरान कुछ इस तरह से टॉप रोप पर से कूदने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहे और रिंग मैट पर गिर गए। इस तरह से रोमन ये फनी बॉच कर बैठे थे, मतलब बिग शो ने जंप करके दिखा दिया। द ग्रेट खली ने भी ये कारनामा करके दिखा दिया, पर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स मजाक कर रहा हूं यार, दिल पे मत लेना। नंबर 6, मिडल फिंगर। दोस्तों, जैसा कि ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स एक हील है, यानी कि WWE में फिलहाल वो एक विलन का किरदार निभा रहे हैं। इसी वजह से स्मैकडाउन के शो के ऑफ एयर होने के बाद, जब वहां बैठे फैंस रोमन को बू कर रहे थे और उनके लिए यू सक चैंट कर रहे थे, तो इसके जवाब में रोमन ने कुछ कहकर नहीं बल्कि सीधा दिखाकर ही जवाब दिया। उन्होंने जाते वक्त सीधा फैंस को मिडल फिंगर दिखाई। अब मिडल फिंगर का मतलब क्या होता है, ये तो आप सब जानते ही हो। नंबर 5, मास्क लगाकर सिखाया सबक। दोस्तों, साल 2021 के एक्सट्रीम रूल्स PPV में रोमन रिंग्स ने डीमन फिन बैलर के खिलाफ अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड की थी। इसी दौरान जब रोमन ने डीमन को बैरिकेड के पार फैंस के बीच फेंका, तो फैंस के बीच जाने से पहले रोमन ने अपनी सुरक्षा के लिए पॉल हैमन से मास्क लेकर पहना, जिसके बाद रोमन ने फैंस के बीचों बीच डीमन का टपाटप किया। लेकिन पल भर में सब कुछ बदल गया और फिर डीमन ने भी कुछ समय के बाद रोमन का टपाटप कर डाला था। इस तरह से रोमन गए तो ठुकाई करने के उद्देश्य से थे, लेकिन रिंग में लौटे ठुकाई करवा के। नंबर 4, बर्बाद किया शादी का जश्न। 8 अगस्त 2016 के मंडे नाइट रॉ में रूसेव और लाना अपनी शादी का जश्न मना रहे थे। उस समय रोमन रिंग्स और रूसेव के बीच राइवलरी भी चल रही थी। इस वजह से इस सेगमेंट के दौरान रोमन रिंग्स वहां आ जाते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रूसेव को समरस्लैम में होने वाले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज ठोक डालते हैं। लेकिन जब रूसेव ने अपनी चुनौती स्वीकार नहीं की, तो रोमन ने रूसेव और उनकी पत्नी लाना का खूब मजाक उड़ाया।
इस वजह से रुसेव को गुस्सा आ गया। वो रोमन पर हमला करते हुए उन पर टूट पड़े। फिर जब रुसेव ने लाना को बाहर जाने के लिए कहा तो रोमन ने उन्हें एक पंच मारा, जिस वजह से रुसेव लाना से टकराए और लाना का मुंह सीधा टेबल पर रखे केक में घुस गया। फिर क्या था, रोमन हंसते हुए धीरे से वहां से निकल लिए, लेकिन अब तक लाना और रुसेव की शादी का जश्न बर्बादी में बदल चुका था। नंबर 3, लाइव इवेंट्स और डार्क मैचेस में करते हैं मौज। दोस्तों, टीवी पर भले ही रोमन रिंग्स इतने ज्यादा फनी ना हो, लेकिन जब शो ऑफ एयर चला जाता है, यानी कि जब शो टीवी पर नहीं दिखाया जाता या फिर WWE के लाइव इवेंट्स होते हैं, तो वहां रोमन रिंग्स इन शोज में बहुत मस्ती करते हैं और वहां बैठे फैंस को रोमन का असली मजेदार रूप देखने को मिलता है। ये क्लिप एक ऑफ एयर मैच की है, जहां जॉन सीना की एंट्री के वक्त रोमन रिंग्स कुछ इस तरह से बैठे बैठे आराम फरमाते हुए कह रहे थे, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। नंबर 2, जब फूटे अखरोट। हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रिंग्स को दूसरे रेसलर्स के अखरोटों को फोड़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन एक्सट्रीम रूल्स 2021 PPV में डीमन फिन बैलर ने रोमन को भी वही मजा दिया और उनके अखरोट फोड़ दिए, जिसके बाद रोमन का रिएक्शन कुछ ऐसा देखने को मिला। रोमन एकदम साइलेंट मोड में चले गए थे। नंबर 1, टकले कॉर्बिन को खिलाया कुत्तों का खाना। दोस्तों, 6 दिसंबर 2019 के स्मैकडाउन में डॉल्फ जिगलर और बैरन कॉर्बिन ने मिलकर रोमन रिंग्स की इंसल्ट की थी और उनके ऊपर डॉग फूड डोलकर उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन फिर रोमन को भी बैरन कॉर्बिन से इसका बदला लेने का मौका मिला, जब 31 जनवरी 2020 के स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रिंग्स और द उसोस वर्सेस बैरन कॉर्बिन, डॉल्फ जिगलर एंड बॉबी रूट के बीच एक 6-मैन टैग टीम मैच हुआ। इस मैच की शर्त ये थी कि जो भी टीम हारती है उसके लीडर को कुत्ते का खाना खाना था, और इस मैच के अंत में रोमन रिंग्स ने रोल अप के जरिए बैरन कॉर्बिन को पिन करके हरा दिया, जिसके बाद बैरन कॉर्बिन ने वहां से भागने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रोमन और उसोस ने उन्हें वहां से नहीं जाने दिया। फाइनली सेगमेंट के अंत में कॉर्बिन की जमके ठुकाई करने के बाद रोमन रिंग्स ने अपना बदला पूरा किया, जहां उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर कॉर्बिन के हाथों को हथकड़ी से बांधा और उन्हें स्टील पोस्ट में फंसा दिया। फिर इन तीनों भाइयों ने मिलकर टकले कॉर्बिन को जमकर कुत्ते का खाना खिलाया और उससे उन्हें अच्छे से नहलाया भी। फैंस ये नजारा देखकर काफी खुश हुए थे। तो दोस्तों, रोमन रिंग्स के इन 10 फनी मोमेंट्स में से आपको सबसे फनी मोमेंट कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।